नमस्कार साथियों, आज वीडियो के इस पार्ट में मैं आपसे सीआरपीसी के सेक्शन 437 और 439 के संबंध में चर्चा करूंगा। साथियों, ये दो धाराएं ऐसी हैं, अगर किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध किया है तो उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आप उस कंडीशन में अगर बेल फाइल करना चाहते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष, तो आपको सेक्शन 437 के अंतर्गत बेल एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। और अगर आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में बेल फाइल कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 439 के अंतर्गत बेल फाइल करना होगा। अब साथियों, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बेल फाइल कहाँ करनी चाहिए, मजिस्ट्रेट कोर्ट में कब करना चाहिए, सेशन कोर्ट में कब करना चाहिए, हाई कोर्ट में कब करना चाहिए, तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके केस के ऊपर और बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सरकमस्टेंस क्या है, उसमें कोई बदलाव हुआ है, और बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके एडवोकेट के ऊपर जो इस मामले को देख रहे हैं कि और जो क्लाइंट हैं कि कब बेल फाइल करना चाहते हैं। तो साथियों, जो हायरार्की है बेल फाइल करने के लिए, अगर मामला ट्रैवल है बाई मजिस्ट्रेट है तो आपको सेक्शन 437 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के यहाँ बेल फाइल करना होगा, और अगर बेल मजिस्ट्रेट के यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो आपको 439 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में बेल फाइल करना होगा, और अगर सेशन कोर्ट से भी बेल रिजेक्ट हो जाती है तो 439 के अंतर्गत ही आप हाई कोर्ट में बेल फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका जो मामला है वो ट्रैवल बाय सेशन कोर्ट है तो आपको मजिस्ट्रेट के कोर्ट में बेल फाइल करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली 439 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में ही बेल फाइल करना होगा। अब साथियों, कई बार हमने ऐसा सुना है कि बेल आपके मजिस्ट्रेट कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है तो आप उसको सेशन कोर्ट में ही फाइल कर रहे हैं या फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही फाइल कर रहे हैं। सेशन कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई तो सेशन कोर्ट में ही दोबारा फाइल कर सकते हैं क्या, या फिर हाई कोर्ट में कब फाइल करना चाहिए? तो साथियों, इसके लिए कुछ सर्कमस्टेंस है और वो केस पर डिपेंड करता है कब ऐसा हो सकता है। अमूमन जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वकीलों के द्वारा कि अगर आपके केस में कोई सर्कमस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया है तो आप सेम कोर्ट में अगर आपकी बेल रिजेक्ट हो गई है तो आप वहां पे बेल फाइल ना करें, आप उससे हायर कोर्ट में बेल फाइल करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मामला ट्रैवल है मजिस्ट्रेट है और आपने मजिस्ट्रेट के यहाँ बेल फाइल किया और मजिस्ट्रेट ने बेल को रिजेक्ट किया 437 के अंतर्गत, और अगर परिस्थिति में बदलाव नहीं आया है तो आप सेशन कोर्ट में बेल फाइल करें, और अगर सेशन कोर्ट ने आपकी बेल को रिजेक्ट किया है और परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है तो आप हाई कोर्ट में बेल फाइल करें। साथियों, जो परिस्थिति में बदलाव जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, इसका जो जिसके जो मायने हैं कोर्ट की भाषा में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे परिस्थिति में बदलाव कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपका जो केस है उसे पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, उसके बाद आपको जेल भेज दिया, उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट पेश किया है सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत, तो यह एक बहुत बड़ा आधार माना जाता है बेल एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। अगर आपकी बेल जहां से रिजेक्ट हुई है, अगर चार्जशीट पेश हो गई है, तो आप सेम कोर्ट में भी इस आधार पर बेल फाइल कर सकते हैं कि चार्जशीट पेश हो गई है। साथियों, इस मामले में एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, ये 2G केस का जजमेंट था, ये संजय चंद्रा वर्सेज CBI का था, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ था। इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वंस द चार्जशीट इज फाइल्ड एक्यूज्ड सीक टू बेनिफिट ऑफ बेल अंडर सेक्शन 439 एंड बेल शुड बी ग्रांटेड इवन इफ द केस इज सीरियस और हाई मैग्नीफाइड। तो साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और चार्जशीट पहले ही फाइल हो चुकी है तो आप उसमें ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है, और आप इस केस का साइटेशन भी पेश कर सकते हैं कि इस आधार पर उस व्यक्ति को बेल दी जानी चाहिए। अब साथियों, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जब हम बेल पेश करते हैं कोर्ट के समक्ष, तो कुछ मिथ हैं जो हमें ऐसा सुनने में आता है कि कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जैसे अगर कोई आरोपी व्यक्ति है और उसके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हैं तो क्या उसे बेल नहीं दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हैं तो भी उस व्यक्ति को बेल दी जा सकती है। इस बारे में एक जजमेंट था प्रभाकर तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ UP, ये 2020 का जजमेंट था, इसको दीपक गुप्ता एंड अनुप्त बॉस की बेंच ने ये जजमेंट पास किया था। इसमें ऐसा कहा गया था, सेवरल केस इज पेंडिंग टू द एक्यूज पर्सन, दोज फैक्टर अलोन डिड नॉट डिटरमाइन बेल एप्लीकेशन, अर्थात केवल एक ही फैक्टर कि उसके ऊपर बहुत सारे केस दर्ज हैं, इस आधार पर किसी व्यक्ति की जमानत को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब साथियों, ये तो दो तीन हमने आधार बताए हैं, इसके अलावा और कौन कौन से सर्कमस्टेंस होते हैं। जैसे पहला तो हमने आपको बताया कि अगर चार्जशीट फाइल हो गई है तो एक सर्कमस्टेंस में बदलाव माना जाएगा,
दूसरा है, अगर कंप्लेनेंट जो गवाह हैं उनके अगर बयान हो गए हैं कोर्ट में, तो भी यह एक परिस्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव माना जाता है। इसके अलावा अगर अन्य कोई सर्कमस्टेंस हैं जो वहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके केस में हो रहे हैं, जिससे आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आरोपी व्यक्ति है उसको फ़ायदा मिल सकता है, तो भी आप उसको भी पेश कर सकते हैं और सेम कोर्ट में आप बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके परिस्थिति में बदलाव नहीं आया है, तो आप कोर्ट की जो हायरार्की है उसको फॉलो करें और वहाँ पे आप बेल एप्लीकेशन फाइल करें। साथियों, इसके अलावा अगर आपके और भी कुछ सवाल हैं जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए, जो मुझे शेयर करना चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर कोई पीड़ित व्यक्ति हैं जिनसे जो इस वीडियो से जिनको फ़ायदा मिल सकता है, तो निश्चित तौर पर यह वीडियो उन तक भी पहुँचाएँ और उनसे शेयर करें। धन्यवाद साथी।